दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज मैं आप लोग को नया अपडेट देना चाहता हूं कि अभी जो है फर्स्ट लॉट मैंने आज 4 दिन हो गया है मेरा, 500 सोनाली मुर्गी और 300 जो है बत्तख मैं अभी गिराया हूं, और ऊपर जो है सो अभी 1000 कड़कनाथ आने वाला है। तो बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा था कि ट्रेनिंग जो है सो कब से शुरू कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग मेरा चालू है 17 तारीख से, आज से शुरू है, अभी लोग आने वाले हैं। और जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को करना है, चाहे बायोफ्लॉक हो या पॉन्ड कल्चर हो या इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग हो, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो आप आ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉपर 5 दिन का ट्रेनिंग जो है वो रखा गया है, क्योंकि एक दिन दो दिन में सीखने के बाद क्या होता है कि मिस हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि प्रॉफिट के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि एक टैंक लगाने से कितना प्रॉफिट होता है। तो आप देखिए, जैसे 4 डायमीटर का टैंक है उसमें प्रोडक्शन जो है आपका 2 से 2.5 क्विंटल से ज़्यादा नहीं आएगा, 2 से 2.5 क्विंटल आएगा। और जब आप उसका 2 से 2.5 क्विंटल प्रोडक्शन करेंगे तो आपका, अगर मान लीजिए पंगेशियस है 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल हो गया, 2.5 क्विंटल हो गया, तो अगर 100 रुपये से भी बिकता है तो 25,000 रुपया आएगा, और उसमें नॉर्मल खर्च आपको 15,000 रुपया आएगा फीडिंग प्लस दवाई वगैरह वगैरह में। यानी 10,000 बढ़िया से अगर करेंगे तो 10,000 एक टैंक पे बचेगा। और जो बड़ा वाला टैंक है उसमें कम से कम, जो 7 डायमीटर का है उसमें कम से कम 50,000 रुपया जो है सो आपको एक कल्चर यानी 6 मंथ में बचेगा, अगर आप पंगेशियस करते हैं तो। अगर आप उसी में जैसे कि हाई वैल्यू फिश है, जैसे कि आपका कबई है, वो 250 रुपये किलो फार्म पर से बिक जाता है मेरा, तो उस समय अगर आप उसमें करेंगे तो आपको 190 केजी, 210 केजी, 160 केजी, यानी कि सब टैंक में अलग अलग ग्रेडिंग जैसे जैसे करते जाते हैं हम लोग, उस तरह से प्रोडक्शन आता है, उसमें उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। और बहुत लोगों का मतलब बोलते हैं अमोनिया मेरा 0 है लेकिन NO2 बढ़ रहा है, तो NO2 में क्या करना है आपको कि 15 से 20% रॉ सॉल्ट यानी नमक जो है घोल करके उसमें डालना है, अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं ठीक होता है तो थोड़ा सा बढ़ा करके आप दे दीजिए रॉ सॉल्ट, आराम से वो कवर कर जाएगा, आपका बैक्टीरिया डेवलप नहीं है। अमोनिया यानी कि जो नाइट्रोजन है उसमें खा करके अमोनिया जो है उसको तो डिजॉल्व कर रहा है लेकिन NO2 कम नहीं हो रहा, इसके लिए आपका फ्लॉक डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं फ्लॉक डेवलप होना चाहिए, बैक्टीरिया आपका जो है हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया दोनों का कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए, तभी जाके दोनों डिजॉल्व होगा और आप इसमें आराम से पालन कर सकते हैं। आगे मैं आपको नया अपडेट दिया था, पहले टैंक जो मेरा आगे से बन गया है और पूरा रिसाइकलिंग यानी फिल्टर प्लांट भी बना दिए हैं यहाँ पर, जो पानी को फिल्टर करके उसी पानी को हर समय हम डालेंगे, वेस्ट पानी नहीं करेंगे। आगे हम अभी आपको अपडेट दे रहा हूँ कि मेरा फार्म जो है अभी ये इधर तैयारी चल रहा है, इधर का तैयारी अभी हुआ नहीं है, इधर अभी जब ये बड़ा हो जाएगा तो उसको इधर छोड़ेंगे और उसमें फिर से नया बटेर जो है 1000 1000 दोनों शेड में रखेंगे। तो 2 शेड है अभी, इसमें जो है अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से जो है सो आपको लाइट लगाना है, लाइट कैसे लगाएंगे, लाइट जो है किस तरह से लगना चाहिए। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये, इसमें अभी 800 बच्चा है, 500 और 300, 800 बच्चा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी पीस मॉडलिटी नहीं हुआ है, इसमें एक पीस मॉडलिटी नहीं हुआ है और सब बिल्कुल तंदुरुस्त है। किस तरह से घुमाओ इसको थोड़ा सा, देखिए देखिए किस तरह से ये बच्चा जो है सो, ये आपका बच्चा जो है सो किस तरह से घूम रहा है और किस तरह से बॉल लगाना है। देखिए लाइट किस तरह से लगाएंगे और लाइट लगाने के बाद जो है सो इसको कैसे घुमाएंगे, किस तरह से इसको जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं। और ये सारा जो है सो अभी नया अपडेट आपको दे रहा हूँ मैं, अभी बत्तख 300 और सोनाली मुर्गी 500 इसी में है अभी। और अभी नया कड़कनाथ जो है आपका आने वाला है, कड़कनाथ अभी जो है आने वाला है, कड़कनाथ 1000 पीस का ऑर्डर दिया गया है और वो जो है आपका जल्द से जल्द, ये जो है आपका देखिए ये खाकी केम्बल है, ये जो बत्तख है खाकी केम्बल, इसकी पहचान ये होती है, इसका पैर भी काला होता है और इसका चोंच भी जो है काला होता है। तो इस तरह से आपको ओरिजिनल ब्रीड यानी कि ओरिजिनल ब्रीड जो है आपको लाना है, और इसका जो है अंडा देने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है।
और आप अगर एक ही बायोफ्लॉक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि बायोफ्लॉक करेंगे उसमें क्या हो जाएगा कि हर रोज का आमदनी नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा रुको। तो बायोफ्लॉक में साथ में आपको इंटीग्रेटेड भी करना है कुछ, जैसे टैंक लगाए उसके ऊपर बांस का जाली वगैरह बना करके उसमें कुछ बत्तख 200 पीस 400 पीस डाल दीजिए, क्या होगा अलग से एक इनकम हो जाएगा और आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अभी देखिए कि मैं इस बायोफ्लॉक के कमाई से ही और इस इतना बड़ा सेट भी बनाया हूँ और उसके बाद पूरा आगे से बाउंड्री वगैरह गेट वगैरह सब क्लियर किया हूँ। अब इसी में जो है सो आपको आगे बढ़ना है तो सोनाली मुर्गी है सबसे दी बेस्ट है और मैं अभी इसका शुरुआत किया हूँ और शुरुआत में भी अभी देखिए बच्चे का पोजीशन क्या है। तो देखिए ये सब बत्तख है और किस तरह से ये सब एक्टिव है, एकदम से पूरा बत्तख जो है एक्टिव है। और अभी उसर देखिए किस तरह से भाग रहा है, अभी आगे जो मेरा सोनाली वही है सोनाली और ये बत्तख आ गया है कड़कनाथ 1000 पीस अभी आने वाला है, उसका मैं तैयारी किया हूँ। ऊपर जो है अभी बल्ब वगैरह लगना बाकी है, किस तरह से आप तैयारी करेंगे आप देख लीजिए इसको और देखिए इसमें किस तरह से मैंने जो है शेडिंग किया हूँ इसका और इसके ऊपर पहले पेपर यानी कि जब बच्चा आता है तो किस तरह से पेपर लगाना है। देखिए पेपर जो है लगा दिया हूँ क्योंकि उसका पैर जो है कमज़ोर होता है, उसमें कोई चीज़ गरे नहीं, लिकर तिकर में कुछ चीज़ आकर के उसमें क्या हो कि गरे नहीं, इसके लिए पेपर बिछाते हैं और पेपर बिछाने के बाद इसमें जो है सो हम खाना लगा दिए हैं, पानी लगा दिए हैं, लाइट अभी लग रहा है और आज शाम तक या कल परसों तक जो है कल तक जो है गिर जाएगा बच्चा क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे ही हैचिंग होगा और उसके बाद यहाँ आ करके जो है सो गिरेगा बच्चा। इस तरह से लाइट लगाना, लाइट की दूरी जो है कम से कम इसका 2 फीट होना चाहिए, 2 फीट से ज़्यादा 2 फीट 2.5 फीट बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और बाकी जो है इस तरह से आपको नीचे लिकर डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे लिकर डाला हुआ है और उसके ऊपर हम ये जो बोरी रखे हैं बोरी के ऊपर हम पानी रखेंगे इसलिए गिरेगा भी तो इसके ऊपर रहेगा, लिकर आपका ख़राब नहीं होगा। इस तरह से जो देखिए पानी जो है उस तरह से उसमें डाला हूँ ताकि बगल से बच्चा पिएगा लेकिन उसमें उसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये भी शेडिंग अभी जैसे कड़कनाथ मेरा तैयार हो जाएगा, आइए कड़कनाथ मेरा अभी आएगा, इसमें कम से कम 15 दिन 1 महीना रहेगा और 1 महीना के बाद इधर ये पूरा शेड जो है पूरी तैयारी में है, अभी इसका पूरा चारों तरफ से पन्नी से कवर कर दिए हैं क्योंकि ठंडी का मौसम आने वाला है और इसके बाद जैसे ही 15 दिन के आज गिर जाएगा या कल गिर जाएगा तो आज से कल तक जब गिरेगा तो उसको 15-20 दिन इसमें रखना है, उसके बाद उसको उठा करके इसमें छोड़ देना है और उसमें फिर से नया बटेर का जो है सो प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम मेरा बटेर का है। तो मित्रों इस तरह से आपको जो भी करना है, जिस तरह का आपको फार्मिंग करना है, इधर चलो, इस तरह से ये सेटिंग आपको बनाना होगा। अगर आप फार्मिंग करते हैं तो इस तरह से रूम मतलब अलग रूम, चूजा का रूम अलग होगा और फार्मिंग का रूम अलग होगा तभी आपके पास में सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो उसी को घेर करके एक जाल से घेर करके छोटा रूम बनाना होगा जब चूजा आपका आएगा। अब यहाँ से हमारा ये इंट्रेंस है, गेट है और आगे जो है वहाँ पर हम बच्चे को उतरने के लिए बनाए हैं उस साइड में और इधर उतरने के लिए अभी बनेगा क्योंकि 10 दिन के बाद 15 दिन जब से महीना दिन एक महीना हो जाएगा उसके बाद उसको पानी में उतारना है, तो पानी में जब उतरेगा तो उसके लिए उतरने और चढ़ने का व्यवस्था सब करना पड़ता है, अभी उसका भी आज से काम चालू करेंगे और कल परसों तक करेंगे। तो यही मेरा आज का अपडेट था, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा से करें, बायोफ्लॉक के साथ साथ इंटीग्रेटेड के बारे में भी सोचें ताकि आपको एक के साथ कुछ दूसरा भी आमदनी हो जाए और बायोफ्लॉक में आप टैंक जब भी लगाएं तो कम से कम 7 डायमीटर का लगाएं और छोटा टैंक के बारे में ना सोचें क्योंकि उसमें ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है,
और जिससे 5 से 10 हज़ार रुपया आमदनी होगा 6 महीना में, तो वैसा काम करने से क्या फ़ायदा है। बड़ा टैंक लगाएं, देखिए 7 डायमीटर का टैंक है और ये 7 डायमीटर का टैंक इस तरह का लगेगा तो इसमें कम से कम 8 से 10 क्विंटल का कम से कम जो है सो ग्रोथ आता है, इसका ग्रोथ अच्छा आता है और इसको आप जो है सो कर सकते हैं। ये है हमारा 7 डायमीटर का टैंक और ये है पॉन्ड जो कि फुली बाय फ्लो करता हूँ मैं इसमें, और इसी का पानी यहाँ मोटर लगा हुआ है, यहाँ से देखिए खींचता है पानी और इसी में जो है सो इसको यहाँ से ऊपर हम खींचते हैं पानी। तो इतना ही बोल करके बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। उससे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप जो भी फार्मिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई सलाह हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, परेशानी हो रहा है, तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन हर समय खुला रहता है, आप चाहे कभी भी फ़ोन करके इसके बारे में अगर किसी तरह का दिक्कत होता है, कोई मोडलिटी हो रहा है, कोई परेशानी हो है, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैं उसका इलाज यहाँ से आपको बता सकता हूँ। तो इतना ही बोल करके बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।